हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीजेयर फुलफिल डिजायर्स पर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल 2017 प्रीलिम्स। दिस सीरीज ऑफ वीडियोज इज स्पेशली डिजाइन फॉर एसएससी सीजीएल 2017 एस्पायरेंट्स। योर सक्सेस इज योर गोल। Let's play GS 2020 part 9 in Hindi. Our first question is, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ऑप्शन ए है हमारा जल में, बी है कांच में, सी है वायु में और डी है निर्वात में। दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब होगा इन चारों में से सबसे तेज ध्वनि की गति होती है कांच में। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि निर्वात में ध्वनि की तरंग गति नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? हमारे पास ऑप्शन है सचिव, पेशवा, मंत्री, सामंत। इसका सही जवाब है दोस्तों पेशवा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? इसके लिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ। हमारे पास ऑप्शन है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने। तो हमारा आंसर जो ठीक है वो है 6 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? मतलब धूप के चश्मे किस कांच से बनाए जाते हैं? यहाँ पर अलग अलग तरह के कांच दिए गए हैं, पायरेक्स, फ्लिंट, क्रूक्स, क्रिस्टल। इसका सही जवाब है क्रूक्स कांच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि की एक विधि का, आधुनिक चित्रकारी का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों फूलों की सजावट का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्याज की दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर के द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की दर निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न में से किस में होता है? हमारे पास ऑप्शन है डायनमो में, बैटरी में, विद्युत तापक में, परमाणु बम में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बैटरी में। बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1965, 1967, 1969, 1971। तो इसमें हमारी जो इसरो की स्थापना हुई है ये हुई है 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोनेफ शब्द किस चीज की समानता वाली लाइन का द्योतक है? ठीक है, तो आइसोनेफ शब्द जो है वो हमारा मेघमयता की समानता को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन हैं गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब है दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन हैं समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल। इसका सही जवाब है दोस्तों आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? वो है हमारे पास ऑप्शंस निम्न तापमान, उच्च तापमान, घर्षण और टूट फूट क्रिस्टलों की वृद्धि। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर वही सही होगा, निम्न तापमान। क्रायोजेनिक में हम निम्न तापमान का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आया है हिंदी लेखक, प्रथम हिंदी लेखक। यहाँ पे अगर ये कहते कि प्रथम लेखक कौन थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, तो हमारा आंसर होता इसमें ऑप्शन नंबर बी, जी शंकर कुरु। लेकिन यहाँ पर हिंदी जो वर्ड डाल दिया गया है, इसके कारण हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो जो ऑप्शंस थे हमारे पास वो ये थे, महादेवी वर्मा, जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसमें क्या था कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है कि ऑप्शन में हमारे पास जी शंकर कुरूप भी आ गया और सुमित्रा नंदन पंत भी दिया गया है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि हिंदी लेखक कौन थे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, अगर हिंदी लेखक पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत, और वैसे प्रथम लेखक पूछा जाए जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया वो जी शंकर कुरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपेरिन एंड फाइब्रिन। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिपेरिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। इसका सही जवाब है दोस्तों बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, कार्टोग्राफी, कार्पोलॉजी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्टोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए हैं। अभी अभी 6 जून 2017 को किन्हें नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, पुष्प कमल दहल, मनीष कोइराला, शेर बहादुर देउबा, गिरजा प्रसाद कोइराला। इसका सही जवाब है दोस्तों शेर बहादुर देउबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2017 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहेगी या रहने का अनुमान है? वो है हमारे पास ऑप्शन 6.2%, 7.2%, 8.2%, 9.2%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7.2%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक तौर पर कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य देश बना है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं, इंडिया, मोंटेनेग्रो, वनुआतू, जिबूती। का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोंटे नेग्रो। ये हमारा 29वां सदस्य बना है नाटो का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इफ यू वांट टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ आवर न्यू वीडियोस ऑफ इंग्लिश एनजीएस, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डीजर फुलफिल डीजेएस। Thanks for watching. See you in our next video. Bye bye.